रसोई घर में गलती से भी ख़त्म ना होने दे ये पांच चीज़ें, घर की बरकत चली जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हम सभी के घरों में रसोई को सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। यही वह जगह है जहां से हम सभी का भाग्य तय होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कहते हैं कि रसोई घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। माना जाता है कि इन वस्तुओं के ख़त्म होने से नकारात्मकता बढ़ती है और घर की बरकत चली जाती है और कंगाली पांव पसारना शुरू कर देती है। हालांकि इन बातों का न ही कोई धार्मिक महत्व है और ना ही कोई वैज्ञानिक आधार, मगर फिर भी काफ़ी समय से लोग इन बातों को मानते आ रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कौन सी है वे पांच वस्तुएं जिन्हें भूल से भी ख़त्म न होने दें। नंबर एक, आटा। कुछ घरों में ऐसा देखने को मिलता है कि रसोई में आटे का डिब्बा जब पूरी तरह से खाली हो जाता है तब लोग उसमें नया आटा भरते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इसे तत्काल रोक दें। आटे के डिब्बे में आटा पूरी तरह से ख़त्म हो इससे पहले ही उसमें नया आटा भर दें। आटे के बर्तन को कभी भी झाड़ना नहीं चाहिए, इससे आपको धन की हानि होती है और समाज में आपके सम्मान में कमी आती है। नंबर दो, हल्दी। रसोई के मसालों में शामिल हल्दी ऐसी चीज है जिसका प्रयोग लगभग सभी चीज़ों में होता है। वहीं ज्योतिष के नज़रिए से देखा जाए तो हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह से माना गया है। अगर आपकी रसोई में हल्दी ख़त्म होती है तो यह गुरु दोष के समान है। गुरु का दोष होने पर आपके पास धन की कमी होने लगती है और कैरियर में आप पिछड़ने लग जाते हैं। इसलिए रसोई घर में जब भी लगे कि हल्दी ख़त्म होने वाली है तो उससे पहले ही नई हल्दी लाकर डिब्बे को भर दें। घर में हल्दी की कमी होना धन और वैभव में कमी के साथ ही शुरू कार्यों में बाधा को भी दर्शाता है। ध्यान रहे कि न कभी किसी से हल्दी उधार मांगे और न ही किसी को दे। नंबर तीन, नमक। रसोई में नमक न हो तो खाना ही नहीं बन सकता। कुछ लोग डिब्बे में भरे नमक को पहले ख़त्म कर लेते हैं और फिर उसमें नया नमक भरते हैं। ज्योतिष में नमक को राहु का पदार्थ माना गया है। रसोई में नमक के ख़त्म होने से राहु की कुदृष्टि आप पर पड़ती है और फिर आपके काम बिगड़ने लग जाते हैं और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। ध्यान रखें कि रसोई में नमक का डिब्बा कभी खाली ना होने दें। वहीं इस बात पर भी गौर करें कि कभी किसी दूसरे के घर से नमक नहीं मांगना चाहिए। ऐसा करने से आपके अपने घर के भंडार सदैव खाली रहेंगे। नंबर चार, चावल। कुछ लोग मानते हैं चावल रसोई में उतना ही रखना चाहिए जितना कि प्रयोग हो, वरना उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इस वजह से लोग पहले रसोई में रखे चावल को ख़त्म कर लेते हैं और फिर उसमें नए चावल भरते हैं। ऐसा भूल से भी ना करें। चावल का संबंध भी शुक्र से माना गया है और शुक्र को ऐश्वर्य वृद्धि और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। चावल का घर में ख़त्म होना शुक्र के दोष को दर्शाता है। शुक्र का दोष लगने पर पति और पत्नी के बीच संबंध भी कड़वे होने लगते हैं। इसलिए घर में चावल को कभी भी ख़त्म नहीं होने दें और नया मंगवा लें। नंबर पाँच, सरसों का तेल। खाना पकाने में सरसों का तेल खाद्य तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अक्सर देखा है लोग बाजार से तेल ख़त्म होने पर ही और तेल घर में लेकर आते हैं। ऐसा गलती से भी ना करें। घर में सरसों का तेल ख़त्म होने से पहले और खरीद लाएं। सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है। सरसों का तेल ख़त्म होना मतलब आपको शनि के कोप भाजन का शिकार बना सकता है। संभव हो तो हर शनिवार को सरसों का तेल दान जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।